नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन कल्चर प्राचीन ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही विशेष है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। सुख समृद्धि के प्रतीक, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, बुद्धि के अधिदेवता, अग्र पूज्य, वक्रतुंड, महोदर, लंबोदर आदि अपने गुण, प्रभाव और रूप से जाने जाने वाले श्री गणेश का इस बार मंगलवार 19 सितंबर स्वाति नक्षत्र ध्वज योग पराक्रम योग साथ सूर्य बुध के परिवर्तन योग के होते भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जन्मोत्सव है, जो गुरुवार 28 सितंबर 2023 अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के लिए मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी में भूल कर भी ना करें ये गलती, बप्पा होंगे नाराज, बिगड़ जाएंगे बने का। हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक अथवा शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि वह सभी विघ्न हर लेते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव अगले 10 दिनों तक चलता है। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 19 सितंबर से होगी और इसे 28 सितंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गणेश चतुर्थी में भगवान गणपति बप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। घर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनके प्रिय वस्तुओं को अर्पित किया जाता है। कई बार कई लोग भूल जाते हैं कि गणेश उत्सव में गणेश जी को क्या अर्पित करें और क्या ना अर्पित करें, तो चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि गणेश उत्सव में बप्पा को क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। अयोध्या की प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित कल्की राम बताते हैं कि गणपति बप्पा की विधि विधान पूजा आराधना करने से साधक के हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भगवान गणेश को कुछ चीज अर्पित करने की मनाही होती है। ना करें तुलसी अर्पित। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते वक्त तुलसी का प्रयोग अति आवश्यक माना जाता है, लेकिन गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने में तुलसी दल को अर्पित करना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक बार भगवान गणेश ने तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी ने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया था। शायद ही वजह है कि गणेश जी की पूजा आराधना में तुलसी अर्पित करना वर्जित बताया गया है। बप्पा को अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें यह बात, भगवान गणेश की पूजा करते समय कभी भी टूटे अथवा सुख अक्षत को नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अक्षत का अर्थ ही होता है जिसकी कोई क्षति ना हुई हो, यानी जो पूरा हो। पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले साबुत चावल को अक्षत माना जाता है। ना अर्पित करें कितनी का फूल। गणेश चतुर्थी के दौरान गणपत बप्पा की पूजा आराधना करते वक्त बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कितनी के फूल को नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव पर भी कितनी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करते समय इन फूलों को चढ़ाने की मनाही होती है। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में सफेद फूल, सफेद रंग के वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन इत्यादि नहीं अर्पित करना चाहिए। इस समय करें श्री गणेश स्थापना, मिलेगा मनचाहा फल। शुभ मुहूर्त कीजिए शुभ काजा, तो फल मिले मनचाहा। यह कहावत यूं ही नहीं बन गई, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांश असफलता मिलती है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए, ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो।
इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्यातिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी और 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को ही रहेगी। वृश्चिक जो कि स्थिर लग्न है, 19 सितंबर के दिन सुबह 10:54 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। इस सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप पूरे मान सम्मान, हर्षोल्लास और भोलनगाड़ों के साथ गणपति को अपने घर लाकर विराजमान करें और विधि विधान से पूजा करें। शुभ संयोगों के संगम में निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होकर धन संपदा और खुशियों का खजाना ले आएं अपने घर। घर पर स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए गणपति की प्रतिमा? गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है और जैसे चंद्रमा का स्वभाव है शांत, शीतल और सौम्य, उसी तरह बाईं ओर वाले सूंड के गणपति हमारे लिए श्री, लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि, यश व ऐश्वर्य के दायक होते हैं। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है। ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है क्योंकि उनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक करनी अत्यंत आवश्यक है और जरा सी गलती मुसीबत बन सकती है। आपने देखा होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाले गणपति विराजमान हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत व अनुपम हैं, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान व शास्त्रोत है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप वास्तु दोष निवारण के लिए वास्तु गणपति विराजमान करते हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर ही होगी और यदि पूर्ण रूप से सिद्ध व अभिमंत्रित श्वेतार गणपति की आप पूजा करते हैं तो वह साक्षात गणेश स्वरूप ही हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश महोत्सव पर कैसे गणपति घर लाएं? यदि घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं हुई है और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश उत्सव पर बाल गणेश की प्रतिमा घर लाएं। घर में आनंद, उत्साह और प्रगति उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य करते हुए मुद्रा वाली प्रतिमा घर लाएं। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में स्थायी सुख शांति व आनंद के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा घर लाना चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा घर लाएं जिसमें गणेश जी लेटे हुए आराम करने की मुद्रा में हो। ऐसी प्रतिमा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भी अति शुभ मानी जाती है। जब भी आप गणेश प्रतिमा लें इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो, एक हाथ में दंत, एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनका वाहन मूषक राज भी अवश्य होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।